तो आज आप लोग को हम घी निकालना बताएंगे कि कैसे मतलब घर में ही बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम घी निकाल सकते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इजी वे में हम घी निकालना आपको बताएंगे, हमारा कुछ वेस्ट भी नहीं जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हम एक कटोरी मलाई लिए हैं जिसको कि हम मतलब एक सप्ताह का ये मलाई है हमारा, और इसको हम फ्रीजर में रख देते हैं। आप चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं, तो हम फ्रीजर में रख देते हैं। और फ्रीजर में रखने के बाद अगर हमको जब इसको मलाई निकालना होता है तो हम फ्रीजर में से 2 से 3 घंटा पहले ही हम इसको निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि हमारा कुछ कूल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बीच में ये जमा हुआ ही है और बाकी सब हमारा जो है मेल्ट हो गया है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। ठंडा है बट गल चुका है, और बीच वाला जो है भी हमारा वो बर्फ़ टाइप का जमा ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप हमको ना वैसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए कि मतलब चिल्ड एकदम ठंडा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा ना उतना आसानी से और अच्छे तरीके से हमारा मलाई निकल के तैयार होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो बर्फ़ वाला था जमा हुआ था मलाई, उसको हम सबसे पहले डाल लेंगे डाल करके, और इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, तो जिस प्रोसेस से आपको बताएंगे ना फ्रेंड्स उस तरीके से ही आप फॉलो करिएगा। बहुत ही अच्छे से मलाई निकल के, मलाई से हमारा मक्खन निकल के रेडी होता है जिससे हमारा कि घी बनता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे वीडियो के चैनल पे जो भी रेसिपी हम डालते हैं या फिर ये वीडियो की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे जो वीडियो डाले हैं हम, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चलिए आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, हम इसको ग्राइंड किए हैं और इसमें हम पानी थोड़ा सा डाले हैं। पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, यही गड़बड़ हो जाता है कि पानी अधिक लोग डाल देते हैं ना तो उन लोगों का निकलता ही नहीं है फिर मलाई। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि पानी को आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें मैक्सिमम पानी लेना है 1 गिलास पूरे मक्खन को निकालने के लिए। तो हमें पूरा पानी नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और हमें जैसा ज़रूरत रहेगा उसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ हमारा इस तरीके से दरदरा टाइप का बना है, उसको हम और थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, देखिए हमारा मलाई जो है ना दूध से अलग हो गया। तो देखिए, अलग से दूध टाइप का दिख रहा है ना अलग से, तो वो हमारा पानी जो है अलग हो गया उसका मलाई का जो था, और मलाई जो है जो घी जो है जिसका हम घी निकालेंगे वो मलाई हमारा जो वो अलग होके मक्खन निकल के बाहर आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मक्खन निकाल लेते हैं और उसके बाद ही उसका घी निकालते हैं। तो ये शायद आप लोग को पता ही होगा, और अगर जो नए होंगे जिनको नहीं पता तो वो जान जाइए कि सबसे पहले हम जो मक्खन हम निकालते हैं उससे मक्खन से मलाई निकालते हैं। मक्खन यानी कि डेली का जो छाली हमारा होता है ना उसका, और आपको बता दें कि जो छाली होता है ना उसमें हम थोड़ा सा जुड़न डाले रहते हैं ताकि वो छाली जो है हमारा वो फायदेमंद हो। जुड़न डालने से क्या होता है, वो दही का रूप ले लेता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उसमें गुड बैक्टीरिया जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, और जो हमारा मक्खन बचा हुआ था उसको इसी में डाल देंगे हम, और हमारा जो पानी पहले से था ना वो उसी पानी को हम यूज़ किए हैं जो बचा हुआ पानी हमारा था मलाई निकालने के बाद। और वो हमारा चिल्ड है इसलिए हमें अलग से ठंडा पानी लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा पानी चिल्ड ना हो तो फ्रेंड्स आप बर्फ़ बर्फ़ जमा कर रखे रहेगा, बर्फ़ का क्यूब ठीक, या फिर एकदम चिल्ड वाटर रखे रहेगा उससे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और फिर जिस तरीके से बताए हैं पहले ने निकालना है आपको हम मलाई, उसी तरीके से निकालिएगा। तो देखिए, हम थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं जो कि हम ठंडा पानी चिल्ड करके रखे हुए थे वही हम डाले हैं, और इसको भी हम उसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करके हम ग्राइंड करेंगे धीरे धीरे करके, और बीच बीच में देखते रहेंगे कि हमारा ये रेडी हुआ है या नहीं। उसका पहचान ये है कि हमारा जो उसका छाली हम जमाए तो उसका पानी अलग हो जाता है और मलाई जो है हमारा अलग हो जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये भी बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ना, हमारा पानी अलग हो जाता है और मलाई अलग हो जाता है, इसका परफेक्ट पहचान है कि आपका मक्खन जो है निकल करके रेडी हो गया है। तो इसमें हम अभी अब कोई पानी वानी नहीं डाले हैं, आप लोग एकदम जैसे निकला है वैसे ही आपको दिखा रहे हैं कि हमारा, देखिए जो मलाई का पानी था ना वो अलग हो गया है और मलाई इसमें से हमारा निकल के अलग हो गया। और इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा इतना मलाई निकल के रेडी हो गया है। हमने एक कटोरा मतलब एक सप्ताह का बड़ा मलाई लिया था, एक कटोरा तो उसका निकला है। अब फ्रेंड्स, ये बता दें कि भैंस का दूध का है ना तो इसलिए ज़्यादा निकलता है, गाय का होगा आपका तो थोड़ा कम निकलेगा इससे, बट हाँ अगर आप भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं तो आपको निकलेगा इतना मलाई, और इससे 1 केजी आपका घी भी निकलता है आराम से।
अगर आपका दूध अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली हम जो है पूरा तरीके से मलाई निकाल के अलग कर लिए हैं। और आपको बता दें हम फ्रेंड्स कि जो हमारा मलाई का पानी है ना, इसको अभी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसको, आप ये एक सप्ताह का बहुत ज़्यादा दिन का होता नहीं क्योंकि फ्रीजर में रखा रहता है, तो आप चाहें तो इसको, गर्मी का सीज़न आ रहा है फ्रेंड्स, तो इस छाछ को आप, मतलब हम लोग इसको छाछ बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं बिहार में, तो आप इसको चुपचाप इसमें काला नमक, अगर नमक के साथ आपको पीना है तो काला नमक और जीरा डाल के पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको मीठा पीना है तो इसमें चीनी या गुड़ डाल करके पी सकते हैं, और अगर आप नमकीन के शौकीन हैं तो काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के पीजिए, बहुत ही टेस्टी और स्वाद इसका आता है और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है वो। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो है ये हम जो मलाई थे इसमें अभी हम डाल दिए हैं चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर ही आप डालिएगा, इससे हमारा मलाई जो है ना उसका बाइंडिंग बना रहता है आपस में, और ये हमारा वेस्ट नहीं जाता मलाई, मतलब साथ में हमारा मलाई इसके साथ नहीं जाता, मलाई हमारा एक साथ आपस में चिपका रहता है ठंडा ठंडा की वजह से, इसलिए कह रहे हैं चिल्ड वाटर ही डालिएगा। और हमारा फाइनली ये मलाई धुल चुका है, और इसको भी हम गैस पर ऑन कर देंगे ताकि हम घी निकाल सके इससे। और पहले हम गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे ताकि इसको पूरा हम मेल्ट कर लें, और इसको चलाइएगा ज़रूर, नहीं तो नीचे से हमारा पकड़ लेता है, तब नीचे ही जम जाता है। तो और जब हमारी अच्छे से गल जाएगा तब इसमें गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो, और उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा ये फफा के गिर भी जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई है ना, तो अगर बर्तन छोटा है तो गिरेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मलाई जो है हमारा ये गल चुका है, और अभी हम गैस का फ्लेम कर देंगे थोड़ा सा लो, ताकि हमारा फफा कर नीचे, मतलब तो बॉईल होकर के नीचे गिरे ना, और तो गिरता है दूध हमारा उबलने लगता है, तो वैसे ही इसका भी कंडीशन होता है, तो इसलिए इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना है, देखते रहना है। फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं हमारा ये कि इस कंसिस्टेंसी पे आ गया है हमारा लो फ्लेम पे करते हुए। हम आपको वहाँ पे कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाया, नहीं बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, तो इसलिए हम वीडियो को कट कर दिए हैं, और ये आपको दिखाए हम कि देखिए इस तरीके से बन करके हमारा ये जो है घी निकल कर रेडी हो गया है, और इसको भी हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें, हम इसे गिलास के शीशे में रखेंगे, स्टील कंटेनर या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, तो हम गर्म नहीं डालेंगे इसको, भी हम अच्छे से थोड़ा ठंडा होने देंगे, और जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसमें छानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये ठंडा हो चुका है, और इसको भी हम छान देंगे। तो अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा ये, मतलब इस तरीके से है ना, पर जैसे जैसे ठंडा होगा ना और ठंडा हो जाएगा, तो ये हमारा जम जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घी जो है फाइनली, 1 kg घी जो है, 1 kg का हमारा सीसी था, तो 1 kg घी निकल कर रेडी हो गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो हमारा बचा हुआ है ना वेस्ट पार्ट जो है, ये वेस्ट नहीं, इसका चाहें तो आप मिठाई भी बना सकते हैं। अगर इसकी भी वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर, आपको इसकी रेसिपी लेकर के आएंगे, मिठाई या हलवा दोनों चीज़ बनता है, आपको जिसकी रेसिपी चाहिए होगा वो बताइएगा, हम लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स बताया ना आपको कि एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा, घी का घी निकल गया, मट्ठा आपको हम बता दिए, मट्ठा को आप उसको दही बड़ा भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको, उसको आप अपी में भी यूज कर सकते हैं, वो जो मट्ठा हम बताए थे पीने के लिए, अगर आपको पीने का मन नहीं है तो। और दूसरा ये जो मलाई निकला ना, इसका इसका हलवा भी बनता है और मिठाई भी बनता है, अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा।